Yamini! तुम यहाँ पे क्या कर? हंकी, वो लड़की सांप बन गई। कौन सी लड़की, क्या बकवास कर रही है? हंकी, वो देखो। हंकी, मैं उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आई। हंकी, ये वही लड़की है जो डांस कर रही थी, और वो यहाँ आकर मेरे सामने सांप बन गई। रुको रुको रुको, तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। यहीं पे रुको। नहीं, दरवाजा मैंने फिलहाल के लिए बंद कर दिया, लेकिन किसी को बुला के यहाँ पे दोबारा ताला लगाना पड़ेगा ताकि कोई और इसे खोल ना पाए। और हाँ, तुम्हारी कसम, हम कल यहाँ से जा रहे हैं। और एक बात और, जाने से पहले मैं सांप को जरूर खत्म करूंगा। 20 साल पुराना जो राज हमने छुपाया हुआ है वो खुल जाएगा। चलो मेरे साथ। यार, ये एंगेजमेंट कब शुरू होगी? यहाँ तो कहीं पे भी कहीं जा नहीं सकते। एक तो शॉपिंग करने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही स्पा। मुझे तो दौरे पड़ रहे हैं। आई डोंट नो, तू इतनी नॉर्मल कैसे है? दौरे तो मुझे पड़ने चाहिए, लेकिन पड़ते नहीं। मैं खुद को ये कह के समझाती हूँ कि कुछ दिनों के शॉपिंग और स्पा का त्याग है, वो ऋतिक से शादी करने के लिए कर रही हूँ। माई रिच, हैंडसम, स्वीट ऋतिक। वेटर, रिफिल। लुक्स और पैसा तो ठीक है, पर एक बात बता, तुझे नहीं लगता कि तेरा रिश्ता एक रोमांटिक वे में होना चाहिए? कोई लड़का तुझे मनाता, तेर से प्यार करता, एंड देन फिर शादी होती? शादी शादी होती है यार। अब किसी को मना कर होती है या खुद ही मान कर होती है? ऋतिक मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ किसी और से भी नहीं प्यार कर सकता। दिल तो सब में होता है, सब में धड़कता है। सपोज कल ऐसा कोई दिन आए, कभी किसी की तरफ देखना पड़ जाए और उसका दिल धड़क पड़ा, देन तब क्या करेगी? अगर उसका दिल कभी धड़केगा तो वो सिर्फ मेरे लिए। तन्वी यार, क्या हुआ यार, अब क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? क्या यार तन्वी, अगर ऐसा होता ना तो आज कम से कम वो तेरे साथ होता। यहाँ तो तेरी एंगेजमेंट में भी रुकावट आ गई है। अब तुझे छोड़ के कहाँ चला गया अकेला, बोल। सुनो, तुम आज छुट्टी ले लो, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी, ऑफिस में लेते ना सिक लीव, बीमारी की छुट्टी। आज घर जाकर अपने पहलवान को सरप्राइज दे दो। नहीं, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, छुट्टी नहीं चाहिए तो वहां वहां कहां जा रही हो? काम वहां है। हे भगवान, मुझे तो अभी पार्टी में होना चाहिए था। अगर अभी के अभी मैं हवेली नहीं पहुंची तो वो मुच्छर फिर से अपनी मुझे हिलाता हुआ आ जाएगा। छोटे मालिक, क्या हुआ? तुमने सुना क्या? छोटे मालिक, तुमने सुना? अभी किसी ने छोटे मालिक को कहा, ये लो। एक मिनट, ये क्या कर रहा? अंदर इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, इतनी तेज म्यूजिक चल रही है, उसमें बीन की आवाज कहां से सुनाई देगी?
दे जाएगी, जिसको देनी है दे जाएगी। सांपों के कान हमारे जैसे नहीं होते। इस बीन के आगे दुनिया की कोई भी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देगी। घबराइए मत, मैं तो सांपों को उनके बिलों से निकाल लेता हूँ, फिर वो तो खुद चल के आपके घर आई है। ठीक है, मैं एक और जरूरी काम करके आता हूँ। ये बहुत ही सिद्ध तोरण है। इसके प्रभाव से आपके दहलीज में आने से पहले नागिन जलकर भस्म हो जाएगी। ये फोटो है ना, पक्का मॉम ने मनवाई होगी। उन्हें हमेशा चाहिए था कि मैं शाही स्टाइल में ड्रेसअप होके ऐसी पोर्ट्रेट बनाऊं। वैसे इसमें बेटर लग रहा हूं क्या? शायद हाँ, कोई भी आदमी अपनी सरजमीन से जुड़कर बेहतर ही लगता है। अगर तुम्हें मैं इसमें बेटर लगता तो मैं रोज ऐसे ही तैयार होना शुरू कर दूंगा। मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, जिसके पास पहलवान हो उसे डेढ़ हड्डी की परवाह क्यों होगी? हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। आप बातें करते रहिए, देखिए मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। ये ज्यादा छोटा नहीं है? आप जैसे डेढ़ हड्डी के लिए तो कुछ भी छोट। अब चलिए, हो जाएगा। एक मिनट, पहले पहले तुम जाओ। एक सेकंड, बारह जा, मैं पकड़ता हूं। इच्छाधारी? ओ, तो ये है इच्छाधारी। अच्छा दिखाओ, इसका इच्छाधारी रूप दिखाओ। वो मर जाएगी, लेकिन अपना असली रूप नहीं दिखाएगी। मैंने कहा था ना गाइस, ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं। सत्य को बकवास कहकर उसका मजाक ना उड़ाओ साहब, पाप होगा। तुम उसका असली रूप देखना चाहते हो ना, तो मैं दिखाता हूँ। लेकिन याद रहे, इस दौरान इसकी मौत हो गई तो दोष मेरा ना होगा। नहीं, ये मरनी नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि असल में है कौन जिसने मेरे बेटे की मंगनी की रात को डर की रात में बदल दिया है। तूने मेरी अवहेलना करने की जुर्रत की है ना, तो भुगत सजा। तुझे अपना इंसानी रूप दिखाना होगा। दिखा अपना इंसानी रूप, दिखा, नहीं तो तेरा अंत होगा। तुझे तुझे साग में चलना होगा, तुझे साग में चलना होगा। क्या कर रहे हो बेचारे जानवर को, तकलीफ क्यों दे रहे हो? आम सांप नहीं है वो, जानते हो कौन थी वो? इच्छाधारी नागिन। जब तुम जैसे लोग होते हैं जो ऐसी बेतुकी कहानियां बनाते हैं और लोगों को वहम के नाम पे लूटते हैं, आगे से दिखना मत वरना पुलिस को बता दूंगा। जानवरों को ऐसे टॉर्चर करना कानूनी जुर्म है। ऋतिक, तुम पागल हो गए हो? ये क्या किया तुमने? वो नागिन, वो मैंने देखा और तुमने। बस करो यामिनी। ऋतिक, तुम अंदर चलो मेरे साथ। माँ, तुम